हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो संडे ऑटोमोबाइल न्यूज की एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं पहली न्यूज से, जो है महिंद्रा की तरफ से। अगले साल महिंद्रा बीई लाइनअप की पहली गाड़ी 05 को लॉन्च करने वाला है और इसकी टेस्टिंग भी चालू हो चुका है। ये एक कूपे एसयूवी होने वाला है जिसमें हमें एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल, कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। प्राइसिंग इसका 20 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए के बीच में हो सकता है। दूसरी न्यूज है, एमजी मोटर्स ने इंडिया में ओनरशिप एक्सपीरियंस प्रोग्राम अनाउंस की है ग्लॉस्टर की अगेंस्ट में। इस प्रोग्राम के तहत 3 साल या फिर 45,000 किलोमीटर तक सर्विस कॉस्ट होने वाला है जीरो, यानी कि 3 साल तक जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट। इसके पीछे जो रीजन है वो है फॉर्चुनर की अगेंस्ट में तगड़ा कॉम्पिटिशन देना। महिंद्रा ने बोलेरो नियो प्लस 9 सीटर को लॉन्च कर दिया है 11,39,000 रुपए की एक शोरूम प्राइस पर। इस गाड़ी में 2.2 लीटर डीजल इंजन दिया गया है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट जो कि 9 मई को लॉन्च होने वाला है, लॉन्च होने से पहले इसका क्रैश टेस्ट किया गया और क्रैश टेस्ट में इसने बेहतरीन स्कोर हासिल किया 4 स्टार की। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये क्रैश टेस्ट यहाँ नहीं किया गया बल्कि जापान में किया गया, JNCAP में। और जापान में मारुति सुजुकी की गाड़ियों में, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ये मारुति सुजुकी होती है, जापान में सुजुकी की गाड़ियों में बहुत से एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं हमें, वरना इंडिया में मारुति सुजुकी गाड़ी सेफ्टी के मामले में कितने अच्छे है हम लोगों से बेहतर कौन जानता है। अगली न्यूज है महिंद्रा XUV700 को लेकर एक खुशखबरी है। जो लोग XUV700 की कोई भी वेरिएंट लेना चाहते हैं, अब ज्यादा इंतजार आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। अगर आज आप बुक करते हैं तो 1 से 2 महीने के अंदर आपको गाड़ी डिलीवर हो जाएगा। आप पेट्रोल में लेना चाहते हैं या फिर डीजल में, अगर आप XUV700 और स्कॉर्पियो N की कितने वेटिंग पीरियड, कौन से मॉडल में चल रहा है, ये आप डिटेल में जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अगले वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। तो बात करते हैं अगली न्यूज की। तो बेंगलुरु में एक लेडी को 1,36,000 रुपए की ट्रैफिक चालान किया गया। हुआ यू कि 3 लोग जा रहे थे एक्टिवा में, वो भी हेलमेट के बिना, और उन्होंने 270 बार ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया। उसके बाद उनको ये फाइन किया गया और स्कूटी भी सीज कर लिया गया है। अगली न्यूज है, यामाहा एरोक्स 155 की एस वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है 1.5 लाख रुपीस की एक शोरूम प्राइस पर। एस मतलब स्मार्ट वेरिएंट, और इस वेरिएंट में काफी चीजें ऐड किया गया है, जैसे स्मार्ट की, ट्रैक्शन कंट्रोल, इमोबिलाइजर और भी कई चीजें इस स्कूटी पे ऐड किया गया है। अगली न्यूज है, अप्रिलिया ने 4 नए मॉडल को लॉन्च कर दिया है। पहला है RS V4 जिसके एक शोरूम कीमत है 31,26,000 रुपए एक शोरूम। दूसरा है RS 660 जिसका एक शोरूम कीमत है 17,74,000 रुपए। टूनो 660 जिसका एक शोरूम कीमत है 17,44,000 रुपए। TRX 660 जिसका एक शोरूम कीमत है 18,85,000 रुपए से लेकर 19,16,000 रुपए तक। अप्रिलिया ने बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट की है इंडिया में, तो सर को बहुत बहुत बधाई। इससे पहले एक्टर जॉन अब्राहम यामाहा मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। और इस हफ्ते की आखिरी न्यूज है सुजुकी हायाबुसा के बारे में। सुजुकी हायाबुसा की 25th एनिवर्सरी एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है 17,70,000 रुपए की एक शोरूम प्राइस पर। इंडिया में इसका 3rd जनरेशन चल रहा है। 1999 में सुजुकी ने हायाबुसा को लॉन्च किया था और 2024 में इसका 25 साल पूरा हुआ है। तो आज की इस वीडियो यही तक है, बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।